कई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बिना किसी सहारे के पोर्ट ब्लेयर की सड़कों पर घूमते देखे जा सकते हैं। उनके अपने लोग और आम जनता इस विषय पर असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए कोई जानकारी नहीं है। अंडमान के लोगों का मानना है कि प्रशासन को एक मानसिक अस्पताल और शरण स्थल स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। ऐसी सुविधा इन व्यक्तियों को उचित उपचार और आश्रय प्रदान करेगी। उचित देखभाल से कुछ लोगों को ठीक होने और सामान्य जीवन में लौटने में मदद मिल सकती है। शरण स्थल उन्हें कठोर मौसम, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य खतरों से भी बचाएगा। लोगों का कहना है कि मानसिक रूप से बीमार लोगों को सड़कों पर छोड़ना अनुचित और असुरक्षित है, और इन व्यक्तियों को पर्याप्त देखभाल और सहायता प्रदान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे जो लोग मेंटली जिनको प्रॉब्लम रहता है, जो या फिर मैं बोल कह सकता हूँ कि जो मेंटली रिटायर्ड रहते हैं, ये सभी अंडमान के ही हैं। मैक्सिमम जितने भी केसेस हैं अंडमान के हैं जो यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, क्योंकि मेलैंड से कोई आदमी आके यहाँ पे तो ऐसा नहीं रहेगा। तो ये परिवार की भी जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी है कि उनका ख्याल रखे। ये अल्टीमेटली देखा जाए तो अगर आप जैसा बोल रहे हैं, अगर ये खुले रोड में, अगर क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं करके, उनको हम ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये लोगों से उनको भी खतरा है, उनसे लोगों को भी खतरा है। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक मेंटल हेल्थ केयर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे एक अभाव है, जिसका एक मेंटल हेल्थ केयर सेंटर का होना ज़रूरी है, या फिर या एक रिहैब सेंटर यहाँ पे बहुत ही ज़रूरतमंद है। क्योंकि आगे जो भी हमारा यहाँ पे जो भी केसेस आ रहे हैं, जैसे हमारा जो कोई अगर ड्रग्स का केस आ रहा है या फिर कोई ड्रग एडिक्टेड है, तो देखिए जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो सभी तो मेलैंड में जाके रिहैब सेंटर में अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, अगर कोई इसमें से अगर कोई ड्रग का अडिक्ट हो गया है या फिर कोई मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं, आए दिनों देखे जा भी रहे हैं, पता भी है कि जो जिनको रिहैब सेंटर का ज़रूरत है उसको यहाँ पे रिहैब सेंटर मिल नहीं पा रहा है। तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो भी लोकल बॉडीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक रिहैब सेंटर का स्थापना किया जाए। अगर कोई PPT मोड में भी करना चाहता है तो इसको वेलकम करके किया जाना चाहिए, जो कि यहाँ के ऐसे लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे इसका समाधान हो सकता है। देखिए, हाइजीनिक खाना और अच्छा ट्रीटमेंट तो दिया, लेकिन आप बताइए मुझे यहाँ पे कहाँ पे उनको ट्रीटमेंट देने का फैसिलिटी कहाँ है। यहाँ पे एक मेंटल हेल्थ केयर सेंटर, ऑपरेशनल मेंटल हेल्थ केयर सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिकली अगर रिहैब का यहाँ पे एक प्रोविज़न आ जाए अंडमान निकोबार के अंदर में, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही आ जाए, तो ये बहुत ही लाभदायक होगा ऐसे लोगों। देखिए, अभी ये तो एक इंसान का साइकोलॉजिकल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जब रोड में ऐसा होमलेसली चलता है तो वाकई में वो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, और उनको जो है वाकई में एक इंसानियत के नाते जो है उनका भी एक सॉल्यूशन होना चाहिए। जो भी ऐसे लोग हैं, या तो उनके उनके फैमिली मेंबर्स अगर हैं तो उनसे बात करके जो है उनको एक कंडीशन में लाना चाहिए कि उनका देखभाल सही से करे, वरना कार्रवाई होगी। या फिर उनको अगर मेंटल प्रॉब्लम है या थोड़ा पागल टाइप के हैं तो उनको जो है कंसर्न डिपार्टमेंट के तरफ से जो है उनको ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाए, हमारे जीवी पंत हॉस्पिटल जैसे जगहों पर, और उनके लिए एक शेल्टर बनाया जाए जो कि होमलेस पीपल जो है वहाँ पे रह सके। एटलीस्ट एक इंसानियत के नाते उनको उनका जो देखभाल है, खाना पीना है, चोट लगता है तो ट्रीटमेंट है, ये सब का भी सीरियस एक स्टेप्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होने से बहुत अच्छा है। और ये हर जगह है, ये नहीं कि सिर्फ अंडमान में ही करने बोल रहे हैं, ये एक्चुअली ऑफिसर्स के पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस नज़र से अपने काम को देख रहे हैं। और रही बात पुलिस डिपार्टमेंट की, अंडमान निकोबार आइलैंड के पुलिस वाकई में हर दिशा में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, खास करके अभी जो न्यू जनरेशन पुलिस डिपार्टमेंट्स में आए हैं उनको हर हर संभव जो है, हमारे जैसे लोग जो
सोसाइटी के लिए काम करते हैं, सपोर्ट करेंगे, बिकॉज दे आर यंगस्टर्स एंड उनको पता है अभी चेंजेस सोसाइटी में क्या लाना है ट्रांसपेरेंसी के साथ. सो दे आर वेल एडुकेटेड एंड दे आर मॉडर्न. तो वाकई में उनके तरफ से भी एक मुहिम चलाया गया था जिसमें जो है ऐसे लोगों को जो है उन लोग कैच करते थे, पकड़ते थे, और जो है जो हो सकता है वो करते थे, ओल्ड एज होम में जा भेजना या फिर ट्रीटमेंट कराना करते थे. लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको आइडेंटिफाई करके अपने पास रखना, ये प्रॉब्लम है कि उसके बाद क्या करना है. लाइफ लॉन्ग तो कोई डिपार्टमेंट या कोई इंसान ऐसे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है. तो वाकई में जैसा कि मैं क्या कहा था कि एक होमलेस सेंटर जो है बनाकर एक एक सेल को जो है एक डिपार्ट एक ऐसा एक मैनेजमेंट बनाया जाए कि ऐसे लोगों का निवारण कर सके, और ये एडमिनिस्ट्रेशन एड से ही हो या एलजी की तरफ से हो, कहीं से भी हो, करना चाहिए. क्योंकि हम देखेंगे कि ऐसे लोगों का तादाद जो है हमारे आइलैंड में मेनलैंड के अनुसार जो है बहुत कम है. तो हम ये स्टेप्स जरूर ले सकते हैं, और फैमिली मेंबर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फैमिली मेंबर्स को सही से देखें, कोई मेंटल या कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उनका साथ मतलब दें और सही ट्रीटमेंट करवाएं. एब्सोल्युटली, देखिए कोई भी इंसान को अगर सुधारना है या ठीक करना है, मेडिसिन से सब ज्यादा अच्छा होता है कि आप इमोशनल ट्रीटमेंट करें उनको. क्योंकि ये हम इंसान हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम भावनाओं को समझते हैं, इमोशंस हैं हमारे अंदर. तो काफी हद तक जो हमारा बायोलॉजिकल बॉडी है इसमें फीलिंग्स का बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह होता है. सो मैं समझता हूँ कि ये थेरेपी टाइप का जो है ट्रीटमेंट वैसे लोगों को दिया जाए, और ये कर सकते हैं, ये कोई बड़ा बात नहीं है. कोई भी डिपार्टमेंट में हेल्थ रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स है, ऐसे ऑफिसर्स या फिर ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करे जो ये थेरेपी में विश्वास रखता है, और काफी हद तक जो है कुछ कुछ जो मतलब जो हम बोलते हैं कि बाहर मेंटली डिस्टर्ब घूमते हैं, उनको कुछ हद तक हम वाकई में सही कर सकते हैं. मेंटली स्टेटस जिनका सही नहीं होता है, हम कॉमन भाषा में उनको मेंटल बोल देते हैं, पर मानसिक संतुलन बिगड़ना किसी भी एक स्वस्थ नागरिक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और चैलेंज तब होता है जब उसको मेडिकल उसका सुविधा या फिर मेडिकल उसको ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए या फिर उसको मेडिकल अटेंशन नहीं मिला जाए। और उस हालत में क्योंकि वो बंदा खुद तो मेंटली स्टेट उसका नॉर्मल नहीं है, तो खुद चल के हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा या फिर वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाएगा। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग खुद भी, एक लेडी है यहाँ पे जिसको लेके मैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता है श्रीमती वीडी लीजो, या हम लोग लेके उनको गए भी थे, यहाँ से पोर्टलर ले आके एडमिट करवाए थे, उनका ट्रीटमेंट करवाए थे। पर उसके बाद में क्या हुआ ना कि ट्रीटमेंट होते वक्त जब ट्रीटमेंट उनका चल रहा था वो नॉर्मल हो गई थी, पर उसके बाद क्या था ना कि उसको दवाई कंटिन्यू खाना था। अब ना तो घर वाले लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, ना गवर्नमेंट के पास में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर है भी तो वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से उनको एक फैमिली मेंबर के हाथ पे उनको छोड़ के आना पड़ा। पर बहुत दुर्भाग्य का बात है कि विदिन 2 मंथ्स में जिस स्टेटस में हम उनको लेके हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे थे वही स्टेटस में वो पहुंच गए थे दोबारा से। तो ये बहुत ही सोचने वाली स्थिति है कि हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए पोर्टलर एरिया और इस एरिया में तो हार्डली 10 या 15 लोग ही ऐसे होंगे जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। पर हम लोग में चेतना होनी चाहिए कि इनको लेके हम जाके ट्रीटमेंट करवाएं, और उनको सही ट्रीटमेंट मिलने के बाद में रिहैबिलिटेशन सेंटर उनके लिए होना चाहिए ताकि उनको रिहैब करके वहां पे रखा जाए। जब तक देखिए ट्रीटमेंट कराने के बाद ना बहुत सारे जो ऐसे मानसिक संतुलन इनका खराब है या फिर बिगड़ा हुआ है ये लोग ठीक हो जाते हैं, पर ठीक होने के बाद में क्या है उनका दवाई जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, तभी जाके वो नॉर्मल रह पाएंगे। अगर उनको दवाई नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनका मेंटल स्टेटस वो अलाउ नहीं करता है कि वो दवाई को कंटिन्यू करें। हम दवाई अगर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वापस वो रिवर्सल में चले जाएंगे और उनका वही मानसिक संतुलन फिर से बन जाएगा। तो गवर्नमेंट को, सोशल बोर्ड डिपार्टमेंट को, सोशल में जो भी एक्टिविटीज करते हैं इस चीज को लेके, वो हम चाहेंगे एनजीओ या फिर स्वयंसेवी संस्था इसमें इन्वॉल्व होंगी, पर ये काम दोबारा से मैं कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो आगे आए और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इसको
ध्यान में लेके इन लोगों को, ज्यादा लोग नहीं है, 15-20 लोग ही होंगे जो ऐसे मानसिक संतुलन जिनका खराब है और रोड में घूमते हैं और बहुत गलत हालत में हमें नजर आता है, समाज के लिए भी बहुत धब्बा लगता है, क्योंकि अंडमान को अब गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको डेवलप करे एज ए टूरिस्ट स्टेट। लोग बाहर से आते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं तो खराब लगता है, हमारे लोगों को भी खराब लगता है जो घर पे बच्चे हैं, बड़े हैं, जैसा आपने बताया कि कभी कभार वायलेंट भी हो जाते हैं लोग, तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इसके ऊपर संज्ञान ले और वो जितने भी एनजीओ उसको इन्वॉल्व करे, हम लोग जरूर उनको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, इसको वर्कआउट करेंगे। रिहैब सेंटर बहुत जरूरी है इसके लिए। देखिए दिस पार्ट तो मेडिकल टीम ही बता सकती है, उनका क्या पर्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, सबका अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है। ये चीजें मुझे लगता है मेडिकल डिपार्टमेंट आपको बता पाएगा। अगर हम जस्ट ओवरऑल अगर जो भी हमें लगता है कि मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं और रोड्स वगैरह या फिर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, उन्हें मेडिकल में फोन करके या PCR को बोल के उन्हें वहां से मेंटल असाइलम तक पहुंचाया जाए, तो उनका सही इलाज कर सकेंगे।